हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कुछ खाओ चैनल में। और मैं हूँ नदीम खान। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से पता लगा सकते हैं कि 2019 के इलेक्शन की वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, या फिर आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनका नाम है या नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हों तो आप अपने मोबाइल से पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है वोटर हेल्पलाइन ऐप से, दूसरा तरीका इस वेबसाइट से जिसका नाम है eci.gov.in। दोनों में तरीका सेम टू सेम है, चाहे आप ऐप से चेक करें चाहे आप वेबसाइट से चेक करें। तो इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का भी वेबसाइट का भी। वेबसाइट से आप चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आ जाना है, सर्च नेम इन वोटर लिस्ट। अगर आपको एप्लीकेशन में चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे वो आपको बता देते हैं। दोनों में सेम टू सेम तरीका है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में सर्च योर नेम इन यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, सारी डिटेल आप डाल करके सर्च कर सकते हैं। दूसरा है सर्च बाई EPIC नंबर, मतलब जो आपके पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड जिसको हम बोलते हैं उस पर जो नंबर होता है वो आप डाल करके यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी देखने को, क्योंकि आपका नाम उसमें होगा तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी वरना नहीं आएगी। तो हम सर्च बार डिटेल पर क्लिक कर देते हैं कि हमें अभी अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर मान लो पता नहीं है। तो यहाँ पर नाम पर क्लिक कर देना है, नाम आपको वही डालना है जो कि आपकी वोटर लिस्ट में होता है। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें धुंधली कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम डालना है या फिर आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना है, अगर आप औरत हैं शादीशुदा हैं तो आपको हस्बैंड का नाम डालना है। तो हम पापा का नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डे डालना है जो भी आपकी उम्र हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं फीमेल, मतलब लड़का है लड़की है। तो हम मेल हैं तो हम मेल सेलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप यूपी से हैं, चंडीगढ़ से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, जहाँ से भी हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यूपी से उत्तर प्रदेश के लिया है। उसके बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, हम ज़िला यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने भी यूपी के शहर हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो ज़िला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको विधानसभा सेलेक्ट करना होगी कि आपकी विधानसभा कौन सी है। तो जितनी भी विधानसभा होंगी उस ज़िले में वो सारी आ जाएंगी। तो आपको विधानसभा सेलेक्ट कर लेना है अपनी, और आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई, क्योंकि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर भी आ गया, नाम वगैरह एड्रेस सारा कुछ आ गया है। तो चाहे आप इसको शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा या फिर आपने कुछ गलत डिटेल डाली होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि गलत डिटेल है या फिर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।